हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्री फायर के एक एरर के बारे में बात करेंगे। न्यू अपडेट OB41 के बाद आप में से काफी सारे लोगों को ये एरर आ रहा था। जब भी आप लोग किसी टीम को ज्वाइन करने की ट्राई करते थे या फिर किसी भी स्क्वाड को ज्वाइन करते थे तो आप लोगों के पास एक एरर आ जाता था, दिस टीम कंटेन्स सस्पिशियस प्लेयर अंडर इन्वेस्टिगेशन, अनएबल टू ज्वाइन दिस टीम। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस वाली प्रॉब्लम को लाइव फिक्स करके दिखाने वाला हूं। ये जो प्रॉब्लम थी मेरे पास 3-4 दिन पहले आई थी, मैंने फिर इस पे एक वीडियो बनाई थी जो मेरे सेकंड चैनल पे अपलोडेड है, लेकिन अभी फाइनली मेरी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुकी है। ये प्रॉब्लम आप लोगों को कैसे आती है, फिर आप लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, और उसके अलावा ये जो एरर आप लोगों के पास आता है इसका आप लोगों के अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सभी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक लास्ट में देखिएगा ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलें गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस ये बात करते हैं कि जब भी आप लोगों के पास ये एरर आता है तो आप लोगों के अकाउंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली इसमें ये होता है कि आप लोग किसी भी टीम को ज्वाइन नहीं कर पाते। अगर आप लोगों को कोई रिक्वेस्ट भेजता है किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तो आप लोग उसको भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग CS रैंक में जाते हैं या फिर BR रैंक में तो वहां पे आप लोगों के पास मैच मेकिंग का काफी ज्यादा टाइम आता है और आप लोगों का मैच स्टार्ट नहीं होता। साथ ही अगर आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं तो वहां पे 6-7 प्लेयर्स होते हैं और उनमें भी ज्यादातर बंदे जो होते हैं वो हैकर्स होते हैं। लास्ट जो वीडियो मैंने 3 दिन पहले बनाई थी अपने सेकंड चैनल टोटल लेटर पे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों के पास ये वाला एरर आता है तो इसके लिए सिंपली से आप लोगों ने फ्री फायर की जो इन गेम सेटिंग्स होती हैं इनमें जाना है और यहाँ पे ये जो कस्टमर सर्विस वाला ऑप्शन होता है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये जो हमारा फ्री फायर का अकाउंट होता है ड्रॉप डाउन पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सबमिट अ रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सबमिट करवानी होती है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने पहले से एक रिक्वेस्ट सबमिट करवाई हुई थी। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे माई रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 3 दिन पहले मैंने ये जो रिक्वेस्ट थी वो सबमिट करवाई थी। यहाँ पे मेरा जो इशू है वो सॉल्व हो चुका है। इसको अभी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैंने उनसे क्या रिक्वेस्ट की थी और उनका क्या रिप्लाई आया। बेसिकली जो मेरी मेन आईडी थी जिससे ज्यादातर मैं एमुलेटर्स को लॉगिन करता हूं, उसमें मुझे यही एरर आ रहा था जिसमें मेरा मैच वगैरह स्टार्ट नहीं हो रहा था। और वो एरर इस वजह से आया था मेरे पास क्योंकि जो लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि क्या एरर आ रहा था फ्री फायर में डाउनलोड फेल्ड और रीट्राई वाला, उसको एमुलेटर में सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और फाइल्स को यूज किया था एमुलेटर में, जिसकी वजह से मेरी जो आईडी थी वो कुछ दिन के लिए ब्लैक लिस्ट हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट में कुछ इस तरह से टाइप किया था जिसमें आप लोगों ने ये बताना होता है कि मैं CS रैंक और BR रैंक और कोई भी दूसरा मोड नहीं प्ले कर पा रहा। साथ ही अगर मैं किसी स्क्वाड या फिर टीम को ज्वाइन करने की ट्राई करता हूँ तो मेरे पास ये एरर आ जाता है, दिस टीम कंटेन्स सस्पिशियस प्लेयर अंडर इन्वेस्टिगेशन, अनएबल टू ज्वाइन दिस टीम। साथ ही अगर हम ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पे भी सिर्फ हैकर्स ही आते हैं और 4-5 प्लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट थी सबमिट करवाने के बाद 3 दिन के बाद हमारे पास जो रिप्लाई आता है उसमें फ्री फायर ने कहा हुआ था कि हमने आप लोगों के जो अकाउंट है उस पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज को देखा था जिसकी वजह से हमने आपके अकाउंट को ब्लैक लिस्ट किया था। लेकिन जैसे फ्री फायर उस अकाउंट को रिव्यू कर लेती है तो उसके बाद 3-4 दिन के बाद आप लोगों का ये जो इशू है ये इजिली सॉल्व हो जाता है। इसमें आप लोगों को रीजन भी बताई होती है जिसकी वजह से आप लोगों की आईडी ब्लैक लिस्टेड हुई होती है। लाइक इसमें मुझे बताया हुआ है कि आपने कुछ थर्ड पार्टी चीज यूज की थी जिसकी वजह से हमने आपका अकाउंट जो था वो थोड़ी दिन के लिए रिव्यू पे रखा था। सो अगर आप लोग इन फ्यूचर इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो आप लोगों को कोई भी थर्ड पार्टी इस तरह की फाइल को यूज नहीं करना जिसको फ्री फायर रिकमेंड नहीं करती। लाइक आप लोग कोई भी VPN यूज करके रेड डैमेज को नहीं लेके आ सकते। अगर आप लोगों के पास डाउनलोड फेल्ड वाला एरर आता है, इसके लिए अगर आप लोगों को कोई कहता है कि आप लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या फिर थर्ड पार्टी फाइल को अपने एमुलेटर में इंस्टॉल करो तो आप लोगों ने उन चीजों को यूज नहीं करना। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो डाउनलोड फेल्ड वाला एरर है जिस एमुलेटर में आप लोगों को आ रहा है उस एमुलेटर पे अभी के लिए आप लोग फ्री फायर ना खेलो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड पार्टी चीजों से आप लोगों का वो एरर सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन उससे आप लोगों की आईडी जो है उस पे इशू आ सकता है। क्योंकि मेरे अकाउंट पे एरर आया था इसलिए मैंने आप लोगों को वो जो मेथड था रेकमेंड नहीं किया था। सो अगर आप लोगों के पास करंटली ये वाला इशू है तो इसके लिए आप लोगों को एक रिक्वेस्ट सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर आप लोग आज रिक्वेस्ट सबमिट करवाते हैं तो ठीक 3 या 4 दिन के बाद आप लोगों का जो अकाउंट होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं CS रैंक या कोई भी गेम अभी स्टार्ट करता हूँ तो मेरी गेम उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे फिलहाल तो वैसे मैं गेम प्ले नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए अगर गेम स्टार्ट हो गई है तो हम इसको प्ले कर लेते हैं। फिर भी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप लोगों को कोई भी इस तरह के एरर आते हैं गेम में तो आप लोग नीचे मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का और आप लोगों की हर प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।